क्या कार्रवाई कर रही है? मेरा घर जल गया, मेरे दुकान लूट गई, मेरे मस्जिद को, मस्जिद के गुम्बद को तोड़ दिया गया, उस पर झंडा बगवा लगा दिए आप, मेरे सौ का भी सोया। अरे भाई, जांच का 125 साल में जांच होगा क्या? इफ्तार से नहीं, इनकी नियत से दिक्कत है, इनकी मक्कारी से दिक्कत है, इनकी दोगली नीति से दिक्कत है। हम रोजा रखते हैं, हम नीतीश जी की तरह नहीं है कि 4 बजे भी पानी पिए होंगे, 5 बजे भी चाय पिए होंगे, 6 बजने में 5:55 पे कॉफी पीकर जाकर इफ्तार पार्टी में चले गए। इफ्तार रोजा हम अल्लाह के लिए रखते हैं, हम नीतीश जी के लिए नहीं रखते हैं। कब नीतीश जी फिर से पलटू नाम नहीं हो जाए? किसने कहा था? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, यही लालू जी ने कहा था। इनके यहाँ जंगल सफारी बन रहा है, इनके यहाँ शीशा का पुल बन रहा है, लेकिन सीमांचल बाढ़ में डूब रहा है, उस पर नीतीश जी आज तक कुछ नहीं बोले। मुख्यमंत्री से डरते हैं क्या? उनको डरना होना चाहिए। तेजस्वी यादव को डर है कि ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पे चल रहा है, नीतीश जी को डर है कि सृजन घोटाला उन पे चल रहा है। अपनी आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हम खिलाफ है, रहेंगे आखिरी नस्ल को बोल के जाएंगे। जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है हम उसको पैसा दे देंगे। ये 5-स्टार अवतार कराने की क्या जरूरत थी? तेजस्वी यादव जी, पिताजी के नक्शे कदम पे आप नहीं चल रहे हैं। ये जगदा बाबू, मनोज झा जी, संजय यादव और जो आप जो सुनील सिंह जी के चक्कर में पड़े हैं ना, जनता बिहार की जवाब देगी। कर्नाटका में मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं। तेजस्वी तेज बर्दाश्त ढोल लेके चलते थे हर जगह, पलटू राम, लेकिन इनको सत्ता की मलाई चाहिए थी इसलिए पलटू राम इनके चचा बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी रखा गया और इस इफ्तार पार्टी के तुरंत बाद ही दो पार्टियां जो बिहार में हैं अपना प्रतिक्रिया दिया। एक तरफ बीजेपी ने इस इफ्तार पार्टी का प्रतिकार किया और कहा कि इफ्तार से काम नहीं चलेगा और बिहार याद रखेगा कि जब सासाराम चल रहा था तो आप लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIM ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया और कहा कि इफ्तार से काम नहीं चलेगा, इंसाफ चाहिए। तो नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया था कि दोनों सेम है और दोनों का प्रतिक्रिया सेम भाई है। तो किस पालना में नीतीश कुमार पले बड़े हैं? नीतीश जी 17 साल से किस पालना में? वही आरएसएस बीजेपी का ना पालना था। गोधरा जल रहा था तो नीतीश जी कहाँ थे? वही अटल जी वाजपेयी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। गोधरा की जाँच करवाए थे क्या नीतीश जी? उस बॉगी को स्क्रैप में बेचवा दिए थे, यही नीतीश जी थे। उसके बाद जब गोधरा के फसाद हुआ था नीतीश जी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो बोले थे कि गलत हुआ, नाइंसाफी हुई। किस तरीके से भाई बिहार में बीजेपी को किसने फैलाया, बिहार में आरएसएस को किसने फैलाया? आखिर ये जो फेलियर हुआ, बजरंग दल हो, जो भी दल जिसमें शामिल था, आखिर इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहे? इनके डीजीपी से लेके इनके दरोगा क्या कर रहे थे? इनका आईबी क्या कर रहा था? क्या कार्रवाई कर रही है? मेरा घर जल गया, मेरे दुकान लूट गई, मेरे मस्जिद के गुम्बद को तोड़ दिया गया, उस पर झंडा बगवा लगा दिए आप, मेरे सौ का भी सोया। अरे भाई, जांच का 125 साल में जांच होगा क्या? 125 साल मदरसा के एक एक किताब को आपने जला दिया, एक एक पेज को जला दिया, एक एक धुआं अभी तक धुआं निकल रहा है। इफ्तार नहीं कर रहे आप? इफ्तार हम रोजा रखते हैं, हम नीतीश जी की तरह नहीं है कि 4 बजे भी पानी पिए होंगे, 5 बजे भी चाय पी होंगे, 6 बजने में 5:55 पे कॉफी पीकर जाकर इफ्तार पार्टी में चले गए। हम वो नहीं, हम 16 घंटा रोजा रखते हैं, 14 घंटा 20 घंटा रखते हैं, तब हम जाकर इफ्तार करते हैं। वो मेरे लिए अल्लाह की नेमत है और इफ्तार रोजा हम अल्लाह के लिए रखते हैं, हम नीतीश जी के लिए नहीं रखते हैं। अल्लाह ने कहा है कि मोहब्बत बांटो, तो अल्लाह ने कहा है मोहब्बत बांटो तो उसी नीतीश जी को बोलते हैं। उसी मोहब्बत का सबसे पहला फर्ज है इंसाफ करो। जो वक्त का हुक्मरान होता है, राजा होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको अदल करना पड़ता है, इंसाफ करना पड़ता है, ये ढकोसला नहीं करना पड़ता है। आप वहां पर अगर कंपनसेशन दे देते, आप अगर जो दोषी अफसर उस पर कार्रवाई करते, उसके बाद आप जो गलत जो मुलविस है उस पर आप कार्रवाई करते तो लगता कि हाँ वक्त का हुक्मरान इंसाफ कर रहा है। ये तो आप दोगली नीति कर रहे हैं। आप जाकर आपका वीडियो है, भूटान से जब आए थे आपने टोपी नहीं पहना था, आप नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं। मोदी जी के तो करीब आप लोग नहीं भाई, अरे भाई 17 साल से मलाई का नाम लेकर, अरे भाई तो यही तो है 17 साल से मलाई वो का। हम तो जीवन अपनी आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हम खिलाफ है, रहेंगे आखिरी नस्ल को बोल के जाएंगे। मेरा आइडियोलॉजिकल उससे डिफरेंस रहेगा, हम ये बोलते हैं। लेकिन ये आप गारंटी दे कि कब नीतीश जी फिर से पलटू नाम नहीं हो जाए? किसने कहा था? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, यही लालू जी ने कहा था। पलटू राम किसने कहा था? यही तेजस्वी यादव ने कहा था, यही तेज प्रताप यादव ने कहा था। पूरे 2020 के इलेक्शन में हर दिन ढोल पीट पीट के तेजस्वी तेज प्रताप नहीं है बीजेपी में और आप में। भाई मेरा क्या, मेरा तो आज पार्लियामेंट में मेरे लीडर से ज्यादा कौन बीजेपी के खिलाफ बोलता है? ट्रिपल तलाक में नीतीश जी साथ थे बीजेपी के, सीएए में जो एनआरसी सीए वाला कानून में नीतीश जी साथ थे, 370 कश्मीर में साथ थे नीतीश जी, जो यूएपीए कानून आया जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को जेल में भेजा जा रहा उसमें नीतीश जी साथ थे, जामिया पर नीतीश जी कुछ नहीं बोले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो किशनगंज पर उस पर नीतीश जी अभी तक कुछ नहीं बोले। इनके यहाँ जंगल सफारी बन रहा है, इनके यहाँ शीशा का पुल बन रहा है, लेकिन सीमांचल बाढ़ में डूब रहा है उस पर नीतीश जी आज तक कुछ नहीं बोले। बतलाएं उर्दू अकेडमी पर नीतीश जी कब करेंगे 5 साल से उर्दू मुशावरती बोल
बोर्ड शमशुल होदा मदरसा में बहाली कब होगा, उर्दू मदरसा बोर्ड में कब चेयरमैन बनाएगा, उर्दू टीईटी का मामला जो पिछले 9 साल से नीतीश जी के राज में अटका हुआ उसका कब होगा, उर्दू शिक्षकों का कब होगा, माइनॉरिटी बजट कब पड़ेगा? आप कहते रहते हैं, हम कहेंगे, हम हर दिन कहेंगे, हम आखिरी सांस तक कहेंगे। इफ्तार से नहीं, इनकी नीयत से दिक्कत है, इनकी मक्कारी से दिक्कत है, इनकी दोगली नीति से दिक्कत है कि ये मुसलमानों को चाहते हैं नीतियों का विरोध करने के लिए इफ्तार का आहार नहीं। मेरा कहना है बिहार के मुसलमानों को, बिहार के इंसाफ पसंद लोगों को इफ्तार की जरूरत नहीं है, मुझे मुशायरा की जरूरत है, मुझे माइनॉरिटी बजट में इजाफा की जरूरत है, मुझे हिस्सेदारी की जरूरत है। मेरी आबादी 20%, 5 मंत्री, पूरा सीमांचल में सुरजापुरी 7 MLA, एक भी मंत्री नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए बजट में, नीतीश जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो 25,000 करोड़ का बजट था बिहार का, आज नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है 2,68,000 करोड़ का बजट है, माइनॉरिटी बजट सिर्फ 570 करोड़ का है। जाकर तेलंगाना में देखिए 2,200 करोड़ माइनॉरिटी बजट है, वहां पे 50 लाख से कम आबादी है। नहीं, 2,200 करोड़ तेलंगाना का है और यहाँ सिर्फ 570। हम क्या कह रहे हैं कि तेलंगाना का भी कम नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता है? दो, यहाँ पे 2.25 करोड़ मुसलमानों की माइनॉरिटी की आबादी है, आपने क्या इंसाफ किया भाई? आप सिर्फ इफ्तार पार्टी बना के क्या दिखाना चाहते हैं? सद्भावना भाई, सद्भावना तो जाकर बिहार शरीफ में ना जाते, 7 दिन हो गया बिहार शरीफ में, जो लोग जिसके घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, मेरे मदरसा को जलाया गया, मेरे मस्जिद पर गुंबद पे लाया गया, क्या कार्रवाई किया? तो कैसे हो गया? 31 तारीख को हुआ था ये मामला, तो 1 को कैसे हो गया? फिर से सासाराम कैसे हो गया? लगातार 2-3 दिन क्यों नहीं चला? तेजस्वी यादव सासाराम चले जाते, नीतीश जी का तो गृह जिला है, माई नालंदा तो गृह जिला है ना बिहार शरीफ, वहां पर सब महागठबंधन का MLA है, सब जदयू और राजद का MLA, क्यों नहीं नीतीश जी गए? आखिर पांव में मेहंदी लगी है क्या आपके? आप मेट्रो के प्रोजेक्ट में जाते हैं, आप लाल किला का पीछे फोटो लगाने वाले प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन जहां इंसाफ की बात है उसमें आप क्यों नहीं जाते हैं भाई? मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भाई? हम जाते हैं, इनके डीएम के कहने पर जाते हैं, आदेश पर जाते हैं, लेकिन इनके डीएम हमको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो पता करेंगे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, एक्सपोज करेंगे। आप जाएंगे तो जिस तरीके से बीजेपी कट्टरपंथी करती है आप भी करेंगे, बताइए भाई कट्टरपंथी? हम जा रहे हैं, हम डीएम साहब को, एसपी साहब को बोले कि आप साथ चलिए। बीजेपी के नेताओं का जब से घटना हुआ है लगातार बयान है कि हिंदुओं को मारा गया, आप कह रहे हैं मुसलमानों को मारा गया? हम कह रहे हैं मुसलमान का नहीं, हम दोनों को मारा गया, दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। आप मस्जिद मंदिर सब, हम सबका बोले कि जो जिनके जिनके गोदाम पे भी आग लगी उसको भी दीजिए आप, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, हम इंसान की बात कर रहे हैं, बीजेपी सिर्फ एक पक्ष की बात करती है, हम इंसानियत के। जाकर देखिए इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के सांसद, राम मंदिर का अफवाह उड़ाया कि उस पर क्षति हुई है, इम्तियाज जलील साहब अपने जान पर खेल कर जाके मंदिर में बैठकर वहां से लाइव दिखलाया कि इस मंदिर को क्यों नहीं, शकील खान के मुंह में दही जमी थी, क्यों नहीं मुख्यमंत्री के सामने बोले कि सर कंपनसेशन दीजिए? क्या मदरसा अजीजिया की दीवारें चिल्ला चिल्ला के बोल दी नहीं है कि देखो जल गया है, देखो कंपनसेशन चाहिए, देखो यहां पे दुकानें क्षति हुई है? क्या शकील खान के मुंह में ही जमी थी कि वहां पर अजीत शर्मा जो सीएलपी के लीडर हैं, क्यों अजीत शर्मा जी नीतीश जी के सामने नहीं बोल सकते थे? उनका अपना काम होगा तो जरूर बोलेंगे, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग कराना है तो जरूर बोलेंगे, लेकिन वहां के मजलूमों के साथ इंसाफ की बात करना कोई दिक्कत है क्या? एमआईएम बोलेगी, नीतीश जी बोलते रहेंगे, तेजस्वी यादव जी पिताजी के नक्शे कदम पे आप नहीं चल रहे हैं, ये जगदा बाबू, मनोज झा जी, संजय यादव और जो आप जो सुनील सिंह जी के चक्कर में पड़े हैं ना, जनता बिहार की जवाब देगी। अभी तो किसी तरह लटक के अनुकंपा में चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम बन गए, जाकर अखिलेश यादव से पूछ लीजिए, अखिलेश जी मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सैफई में नाच देख रहे थे, 2017 और 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। नहीं इंसाफ कीजिएगा तो आपके साथ जनता भी इंसाफ करेगी, कांग्रेस ने नहीं इंसाफ किया, मेरी मस्जिद में शिलान्यास राजीव गांधी जी किए, आज कांग्रेस रोड पर है, भाजपा के साथ भी आवाम इंसाफ करेगी, जो ड्रामा इन्होंने भाजपा ने किया था 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, इनको भी रोड पर लाएगी इंशाअल्लाह ताला। आवाम बहुत समझदार है, जो दोहरी पॉलिसी अपनाएगा उसके साथ जनता जरूर इंशाअल्लाह इंसाफ करेगी। आप लेके बैठे नहीं, हम तो बिहार का बोलेंगे, हम तो सीमांचल का बोलेंगे, हम तो मजलूमों का बोलेंगे, MIM बोलना सिखाती है और हम जानते हैं कि हम हक के साथ, नुकसान होता है सरकार का दावा है, सरकार बोले तो नीतीश जी तो उसी पालना में पले बड़े हैं भाई, बार बार तो आपको बतला ही रहे हैं 17 साल की नीतीश कुमार और भाजपा का नीति अलग है। भाजपा के लोग नमाज सड़क पर पढ़ते देख करके बवाल करते हैं, लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार के घर के अंदर नमाज हुआ। मेरे नीतीश जी का वो घर नहीं है, उनकी पैतृक संपत्ति नहीं है, वो सरकार के, बिहार सरकार के टैक्स पेयर का घर है, वो नीतीश जी का नहीं। और हम कभी रोड पर नमाज पढ़ने के समर्थक नहीं है, हम आधा घंटा रोजा में रिलैक्सेशन के समर्थक नहीं है, मेरे चाहिए हिस्सेदारी कैबिनेट में, नौकरी में, बजट में, मेरे हिस्सेदारी चाहिए, बिहार का नौजवान सारे के समय।
बारे में नहीं तो बतलाएं ना, क्यों नहीं ऐसी अफ्तार का पैसा जाकर आप वहां दे दिए कि चलो जिसका घर में जिसके जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा हम उसको पैसा दे देंगे। ये 5-स्टार अफ्तार कराने की क्या जरूरत थी? बड़े बड़े आप जमा खान साहब हैदराबाद में हलीम खा रहे थे, इसराइल मंसूरी साहब वहां थे, वहां पर नदवी साहब बड़े मौलाना ठाकुरगंज के एमएलए असरारू कासमी साहब के बेटे वहां पर थे, वहां पर एक और इनका मंत्री था। जरा सा गैरत बची होती चले जाते बिहार शरीफ, नीतीश जी पर बोलते कि भाई उस पर आंसू पोंछिए, कुछ कंपनसेशन दीजिए। हमारी साफ 3 मांग है कि जिसने इंटेलिजेंस फेलियर किया, जिसने किया उस दोषी अफसर पे कार्रवाई कीजिए, दूसरा जिसने भी गलत किया उसको आप पकड़िए, तीसरा आप कंपनसेशन दीजिए। और इसलिए कि 31 तारीख को यह घटना हुई थी, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ, लेकिन एक को क्यों हो गया? बिहार शरीफ सिर्फ 70-80 किलोमीटर दूर है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री गए? तेजस्वी यादव आप क्यों नहीं गए? ये सवाल है, क्योंकि वक्त के हुक्मरान आप हैं, सत्ता की मलाई आप खा रहे हैं। तो किस चीज में व्यस्त थे? तो क्या आप 7 दिन में तनख्वाह नहीं लेंगे? क्या 7 दिन का क्या सिक्योरिटी का नहीं लिए हैं पैसा? 7 दिन का सरकारी गाड़ी पर नहीं चढ़े हैं? बिहार निवास में नहीं रहे हैं? सरकारी गाड़ी का एयरपोर्ट से अपने घर तक उपयोग नहीं किए? वो सरकारी खर्चा पे नहीं हुआ है क्या? क्या तनख्वाह नहीं लेंगे? उनका पीएफपीएस तनख्वाह नहीं लेगा क्या तेजस्वी जी का? अगर आप व्यस्त है तो बतलाइए कि आप टैक्स पेयर का नहीं लीजिएगा क्या? तब ना समझेंगे। और मुझे आपसे ये मतलब नहीं, मुझे है कि आप बतलाइए बिहार शरीफ ससाराम में और बिहार में ये क्यों हालात पैदा हुई? आप क्या जांच हो रहा है? हम जांच नहीं, जांच तो यार सिर्फ एक श्री कृष्ण, क्या करे सरकार? सरकार इंस्टेंट फैसला दे, कंपनसेशन दे तुरंत। जांच तो श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट भी हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उसको खोला नहीं। जांच तो बीजेपी ने भी करवाया, बीजेपी भी करवाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। जाकर कर्नाटका में मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं। यह कांग्रेस की गवर्नमेंट 5% जब हाईकोर्ट महाराष्ट्र का दिया कि भाई मुसलमानों को आप दीजिए एडुकेशन में, कांग्रेस नहीं देती है। देवेंद्र फर्नांडिस जब अपोजिशन में रहते हैं तो उछलते हैं कि भाई दिया जाए 5%। आज देवेंद्र फर्नांडिस सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, दोनों जब सत्ता में रहती है तो नहीं देती है। हम तो एक्सपोज करेंगे ना। 3 दिन बाद राजद के यहां भी इफ्तार पार्टी है, इनविटेशन आएगा तो जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। बिहार के हर गयूर लोगों को, बिहार के मुसलमानों को और हर धड़कता हुआ दिल इंसाफ पसंद लोगों को बोलना चाहते हैं, रोजा 14 घंटा आदिल हसन ताज सीमा कैफ साहब रख रहे हैं, 16 घंटा रख रहे हैं, नॉर्वे में हम 22 घंटा हमारे लोग रख रहे हैं, हम आपके अफ्तार पार्टी के मोहताज नहीं हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ कीजिए, ये ढकोसलाबाजी मत कीजिए। मुझे ढकोसले से प्यार नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। बतलाइए कि वक्त के हुक्मरान आपने इंसाफ क्यों नहीं दिया? मजलूम के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो? और आप जब बोलते हैं कि बीजेपी के इसकी साजिश है, बीजेपी की, तो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई भाई? क्यों नहीं दिखलाया आपने कि मिस्टर एक्स बीजेपी का है, मिस्टर वाई आरएसएस का है, मिस्टर जी विश्व हिंदू परिषद का है, बजरंग दल का? क्यों नहीं आज तक आपने गिरफ्तारी किया? जांच हो रहा है, आपने कभी नाम आएगा भाई? किस तरीके का मुख्यमंत्री खुदा हो गए हैं क्या? माजल्ला, उनसे ऊपर हाईकोर्ट है, उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, मुख्यमंत्री से डरते हैं क्या? उनको डरना होना चाहिए। तेजस्वी यादव को डर है कि ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर चल रहा है, नीतीश जी को डर है कि सृजन घोटाला उन पर चल रहा है। एमआईएम किसी से डरती नहीं है, एमआईएम सिर्फ अपने अल्लाह से डरती है, इन ढकोसले से नहीं डरते हैं। यही चीज जो अभी आप बोले कि एमआईएम और मुसलमान अल्लाह से डरते हैं, लेकिन आप लोगों ने मुसलमानों को बीजेपी से डरा रखा है। हम कब बोलते हैं भाई? 75 साल इस देश को आजादी को हो गया, नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे 25,000 करोड़ का बजट था, आज 2,68,000 करोड़ का बजट है। पूछे बताइए ना। हाँ, उसी का बतला रहे। क्यों कहा बीजेपी खतरा है देश पर? बीजेपी इसलिए कि गुजरात आपने देखा, आपने बोला अल्लाह से डर, फिर बीजेपी से क्यों? अरे भाई बीजेपी से नहीं, हम बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। हम डरने के लिए नहीं बोलते, हम 313 से यहाँ आए हैं, हमने जंगे खंडक जंगे हुनैन देखा है, हमने करबला का शहादत देखा। हम डरते किसी से नहीं है, हम डरते तो अपने अल्लाह से। हम एक्सपोज करा रहे हैं, ये दोगली नीति पर आप एक्सपोज होइए। बीजेपी ने जो सबका साथ सबका विश्वास की बात की, आपका 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आपका किशनगंज एमयू में 1 रुपया नहीं दिया, नीतीश जी डबल इंजन की सरकार थे उन्होंने भी नहीं दिलवाया, आपका महानंदा बेसिन का प्रोजेक्ट अभी तक लचर पचर चल रहा है, जामिया और अलीगढ़ का बजट कम हो गया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म हो गई, मोमा का बजट खत्म हो गया। हम एक्सपोज तो करेंगे ना, हम तो बतलाएंगे ना, नीतीश जी ट्रिपल सीए में साथ थे बीजेपी के, ट्रिपल तलाक में साथ थे, 370 में साथ थे, यूएपीए में साथ थे। हम तो जनता को बताएंगे ना भाई कि नीतीश जी सब जगह साथ थे। और आज ये ड्रामा जो अफ्तार पार्टी का कर रहे हैं, तो नीतीश जी एयरपोर्ट पे क्यों नहीं जब टोपी पहने थे? ये तो मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहा है ना भाई। 9 साल पहले परिवर्तन नहीं होता भाई, हृदय परिवर्तन। 9 साल पहले आप किसी का कत्ल कीजिएगा तो क्या इंसाफ सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट नहीं देगी? अभी 15 में अंतरात्मा की आवाज भाई, 15 में 15, फिर 17 में रात में किसकी अंतरात्मा की आवाज आई? अभी भी नीतीश जी का वाइस चेयरमैन राज्यसभा में है, अभी भी वाइस चेयरमैन हरिवंश जी अभी तक इनके हैं, इनको कैसे बोलेंगे? कल फिर पलट जाए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ठगा नहीं। कौन बोला? लालू जी ने बोला, पूरी बिहार की आवाम ने बोला पलटू राम। तेजस्वी तेज बर्दाश्त ढोल लेके चलते थे हर जगह पलटू राम, लेकिन इनको सत्ता की मलाई चाहिए थी।
इसलिए पलटू राम इनके चचा बन गए। फिर से कल नीतीश जी छोड़ देंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं फिर से पलटू राम का राग रपाएंगे। बिहार का मुसलमान और दलित भी चाहता है इंसाफ हो। बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम दिया था, आपने मुसलमान दलित को नहीं डिप्टी सीएम दिया, ना विधान सभा में दिया ना विधान परिषद में दिया। हम तो बोलेंगे ना, शमशुल होदा मदरसा में नहीं बहाली हो रही है बोलेंगे, उर्दू अकेडमी बोलेंगे, उर्दू टीटी बोलेंगे, उर्दू शिक्षक का बोलेंगे, माइनिटी बजट का बोलेंगे, माइनिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का बोलेंगे, मंत्रालय का बोलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं क्या? अपना बरबीघा का जमीन बेच के दे रहे हैं क्या कुछ, या नालंदा का कुछ खेती करा के दे रहे हैं क्या? वहां पर शीशा का पुल है, वहां पर जंगल सफारी है, वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है, पूरे सीमांचल की आवाम जाके पूरे हिंदुस्तान में माइग्रेंट लेबर का हब बना हुआ है। हम तो सवाल करेंगे ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी तक एक रुपया क्यों नहीं दिया? दीदी जी कैबिनेट से दे दीजिए 100 करोड़ रुपया, तब ना समझेंगे कि आप इंसाफ कर रहे हैं। और सबसे पहला हमारा मुतालबा है, कितना बड़ा बिल्डिंग बनवा दिया, उतना बिल्डिंग बना दिया, वाहिद ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें एक भी टीचर नहीं है, जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है, वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार सब है, जिसमें स्टूडेंट है नहीं। हज भवन सामने भाई, हज भाई नीति जी अपने अपने जेबी से बनाए क्या? जेबी से बनाया बिहार का बीस, तो टैक्स, अरे भाई तो 20% आबादी है, 20% आबादी को ये सिंबॉलिक अंजुमन इस्लामिया से मेरा घर चल रहा है, जाकर वहां पर जाएं सबसे पहले बिहार शरीफ रोहतास जाएं और उस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो ऑफिसर है जिसने इंसाफ चाहिए और इनको इनका जो दोगली नीति को एक्सपोज करने के लिए MIM इंशाल्लाह खड़ी है। चलिए तो इफ्तार नहीं इंसाफ चाहिए इस बात पर चर्चा हुआ है, इनसे लंबी बातचीत हुई है, इस बातचीत के दौरान आपने आपके मन में क्या चल रहा है, जब भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।